इस प्रकार से भगवान अपने छह भाइयों को जो है अपनी माँ से मिलवाते हैं। अब सज्जनों, यहाँ पे भगवान महाप्रभु श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित कृष्ण के अनंत चरित्र है, कितने सुनाऊं तुमको, इतने चरित्र तो सुना दिए, आज सातवां दिन आने वाला है, अब तुमको जो बढ़िया लगता हो पूछ लो। बहुत बढ़िया पूछा है परीक्षित जी ने कहा, तो आप मुझे ये बताइए ना कि जो कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, उनका विवाह मेरे बाबा अर्जुन के साथ कैसे हुआ था। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को पता चल जाए कि आज हमको मरना है तो आप लोग ये पूछोगे क्या किसी से कि मेरे बाबा की शादी कैसे हुई थी, पूछोगे? पूछोगे? हाँ ना, बोलिए आप लोग, नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को मृत्यु का भय है। इसका मतलब है परीक्षित का प्रश्न सुनकर के समझ में आता है कि परीक्षित जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, मृत्यु का भय नहीं है परीक्षित को। परीक्षित ने कहा कि मेरे बाबा की शादी कैसे हुई थी कृष्ण की जो बहन थी सुभद्रा से, और ये सुन के तो गदगद हो गए सुखदेव महाप्रभु, कहा वाह बहुत सुंदर तुमने प्रश्न किया है, सुनो। तब तो बड़ी मीठी कथा सुनाई, कहा भगवान श्री कृष्ण की एक बहन थी सुभद्रा, तो सुभद्रा का विवाह जो है बलराम जी ने दुर्योधन से तय कर दिया। कृष्ण से कहा, सुनो दुर्योधन जो है ना बड़ा अच्छा गदाधारी है, हमारी बहन उसी के साथ ब्याही जाएगी। तो भगवान सोचने लगे ये दुर्योधन एक दिन मारा जाएगा, बहन विधवा हो जाएगी, हाँ तो क्या करूं। तो अब सज्जनों भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाए, और भगवान श्री कृष्ण जब सुभद्रा के पास जाते ना तो हमेशा अर्जुन का गुणगान करते, अरे अर्जुन जो है बड़ा योद्धा है, बड़ा धनुर्धारी है, बड़ा सभ्यसाची है, बड़ा पराक्रमी है, बड़ा सुंदर है। और जब अर्जुन के पास आते तो सुभद्रा के गीत गाते, अरे सुभद्रा बहुत सुंदर है, बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी है, उसके जैसी तो कोई बहन नहीं हो सकती। तो पता है सुभद्रा के मन में आप कई बार होता है कि किसी की बड़ाई सुनते 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 किसी के मन में एक स्थान बन जाता है। तो सुभद्रा अर्जुन के विषय में हमेशा सुनते रहती थी, तो अर्जुन के लिए एक प्लस बन गया, और अर्जुन के मन में भी सुभद्रा के लिए एक स्थान बन गया, और अर्जुन जो है आते जाते रहते थे। अब सज्जनों एक दिन क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा, बड़े ध्यान से सुभद्रा की ओर देख रहे थे, तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन एक बात बताओ, क्या तुम सुभद्रा को पसंद करते हो? अर्जुन अब क्या बोले, हक्के वक्के से, कब नहीं केशव नहीं, अरे करते हो तो बता दो, मैं शादी करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अब कोई ऐसे साफ साफ कह दे तो फिर तो कोई भी बोल देगा। हाँ तुरंत कहा कि मुझे सुभद्रा बहुत अच्छी लगती है। अब जैसे ही कहा तो भगवान ने कहा, एक काम करो, कहा क्या, का कल तुम जो है ना त्रिदंडी स्वामी का वेश बना के अर्जुनानंद जी महाराज बन के हमारे द्वारिका आ जाना, ठीक है। अब सज्जनों अगले दिन जो है, अब अर्जुन हमेशा आते जाते रहते थे द्वारिका, चूंकि उनका ननिहाल था, सब परिचित थे, सबसे परिचित थे। तो अर्जुन जो है अगले दिन श्री श्री 1008 श्री महाराजा धीराज अर्जुना त्रिदंडी स्वामी अर्जुनानंद जी महाराज बन करके आए, और जैसे ही आए तो एक बागीचा था उसमें ध्यान लगा के बैठ गया। एक व्यक्ति आया, अरे बाबा राम राम। अर्जुन कहते, तुम्हारा नाम ये है ना? हाँ, क्योंकि सबसे परिचित थे अर्जुन। हाँ महाराज, आपको कैसे पता? अरे मुझे पता है, तुम्हारे दो बेटे हैं ना? अब तो, अरे हाँ महाराज, आपको कैसे पता? अरे तुम्हारी एक बिटिया भी है ना? अब तो और उसकी श्रद्धा बलवती, जो आता अर्जुन उसी का नाम लेके उसके बारे में बताते। अब कानाफूसी होने लगी द्वारिका में, अरे बहुत तपस्वी बड़े योग्य महात्माएं हैं, बड़े अच्छे ज्योतिष के जानकार हैं। ये बात बलराम जी के पास पहुंची, बलराम जी भी दर्शन करने के लिए। जैसे बलराम जी आए तो अब अर्जुन तो कांपने लगे, लेकिन फिर भी अब अभिनय कर रहे तो अभिनय ही सही। बलराम जी ने कहा, बाबा राम राम, जय श्री कृष्ण। तो अर्जुन ने कहा, अच्छा आयुष्मान बाबा, खुश रहो बच्चा, तुम्हारा नाम बलराम है ना? जी ने कहा, अरे गजब के महात्मा, मेरा नाम बता दिए। हाँ महाराज बिल्कुल, कहा तुम्हारे बारे में मैं सब जानता हूँ। क्या जान रहे हो महाराज? इस समय तुम अपनी बहन सुभद्रा के विवाह के लिए वर को लेके चिंतित हो।
अरे महाराज ये तो बहुत बहुत सही बताया। अच्छा महाराज तो आप बता सकते हो क्या कि उसका विवाह कहाँ होगा? अर्जुन ने गिना मीन में क्या कहा, उसकी राशि देखकर उसका नाम देखकर के लग रहा है उसका विवाह धनुर्धारी अर्जुन के साथ होगा। अब बलराम जी सोचने लगे, मैं सोच तो दुर्योधन की रहा था पर महाराज जी तो अर्जुन की बता रहे। अच्छा महाराज वो तो सब विधि का खेल है, अर्जुन से होना होगा तो अर्जुन से ही होगा। महाराज मैं चाहता हूँ ना कि आप हमारे यहाँ भोजन पे आए। अर्जुन ने कहा, महाराज जी ने कहा, नहीं नहीं मैं किसी के यहाँ नहीं जाता। अरे महाराज मेरी बड़ी श्रद्धा है, आप बस आइए तो चरण रख दीजिए। ठीक है आऊंगा। अब अर्जुन जो है गए, बलराम जी ने सुभद्रा से कहा, अरे बहन बहुत बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं, बढ़िया से बढ़िया भोजन कराया ना तेरे भाग्य खुल जाएंगे। तब क्या था, सुभद्रा ने बढ़िया से भोजन बनाया और बना करके जैसे ही परोसा तब तक कृष्ण की सब लीला। एक व्यक्ति आया कहा बलराम जी से, बलराम जी महाराज जी आपको राज्यसभा में लोग याद कर रहे हैं। बलराम जी ने कहा, एक तो महात्मा की सेवा तक कोई नहीं करने देता, और चले गए। और इधर भगवान श्री कृष्ण उनके पास भी एक व्यक्ति आया, अरे आपको भी बुला रहे हैं, वो भी चले गए। अब अर्जुन है और सुभद्रा, सुभद्रा भोजन करा रही है, भोजन कराते कराते वो बैठ गई और बड़े ध्यान से महात्मा जी को देखने लगी। देखते देखते सुभद्रा सोचने लगी, महात्मा जी का चेहरा अर्जुन से क्यों मिल रहा है। फिर सोचने लगी, नहीं ये अर्जुन ही वेश बना के आया है क्या? बोले नहीं नहीं अर्जुन क्यों ऐसे रूप बना के, नहीं नहीं अर्जुन नहीं है, नहीं नहीं ये अर्जुन की तरह ही लग रहा है। अरे नहीं अर्जुन क्यों, अरे ये अर्जुन ही है। तो सुभद्रा ने कहा, अर्जुन? तो घबरा के, हाँ कौन? अब सज्जनों सुभद्रा ने कहा, अरे अर्जुन, अरे जब तुम आए हो तो ऐसा भेष बना के क्यों आए हो, ये सब रूप क्यों? सुभद्रा से कहा, ये सब पापड़ आप ही के लिए बेल रहा हूँ, आप ही को प्राप्त करना चाहता हूँ। सुभद्रा के मन में भी वो इच्छा है। सुभद्रा ने कहा, एक काम करो, कल मैं पूजन करने के लिए जाऊंगी ना, वहां मेरा हरण करके ले जाना। तब क्या था, अगले दिन सुभद्रा जो है सखियों के साथ जब पूजन करने के लिए गई तो अब चूंकि ये तो यही रुके थे, तुरंत मंदिर में गए और जा करके सुभद्रा को रथ में बिठा करके लेके 9:11 हो गए। सेवकों ने देखा कि महाराज जी जो है सुभद्रा का हरण करके ले जा रहे हैं, दौड़े दौड़े आए बलराम जी के पास। अरे बलराम जी गजब हो गया, क्या हुआ? अरे जो कल महात्मा जी भोजन पे आए थे ना, आपकी बहन का हरण कर ले गए। अब तो शेषावतार आवेश में आ गया, हल भूसल उठा लिया, उस पाखंडी बाबा को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, उसको मैं मार के रहूंगा। अब तो सजनों जैसे जाने लगे कृष्ण दिख गए। कृष्ण जी का, अरे तुमने सुना है जो बाबा कल भोजन पे आए थे बहन को ले गए। अर्जुन जब सुना कि बाबा बहन का हरण कर ले गए तो कृष्ण चुपचाप सोचने लगे। बलराम जी ने कहा, क्या सोच रहे हो? कहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि त्रैलोक में ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि आपके और मेरे बल से परिचित नहीं है, त्रैलोक में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, और जो भी हमारी बहन का हरण करके ले गया है वो हमसे तो ज्यादा ही बलशाली होगा। डाकू के बहन का कोई हरण कर ले तो सोचो वो सामान्य होगा क्या? तो इतने कृष्ण जो है जिनके पास चक्र है और बलदाऊ के पास हल मूसल है, ऐसे की बहन का हरण कर लिया मतलब बड़ा बलशाली होगा। अब मान लो हम लड़ने जाए, इसने हरा दिया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। जाने दो, हम तो अपनी बहन के लिए ऐसा ही योद्धा ढूंढ रहे थे ना, ऐसा ही पराक्रमी वीर ढूंढ रहे थे। बलराम जी ने कहा, हे भगवान ये तो ऐसा कह रहा है जैसा कुछ हुआ ही नहीं है, बाबा बहन का हरण कर लेगा और ये कह रहे कि अच्छा हुआ, तू बैठा रहे मैं जा रहा हूँ। जैसे ही गए तो कहा, अरे आप जा रहे हो तो अकेले क्यों, मैं भी चलूंगा, बैठ गया। अब सज्जनों जो सेना थी वो सब अर्जुन के पीछे लगे थे, तो अर्जुन का एक नाम है सव्यसाची। अर्जुन जो है वो उनके पास एक कौशल था, वो बाएं हाथ पे ही धनुष बाण दोनों लगा के चलाते थे, जबकि धनुष बाण चलाने में दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है ना, लेकिन अर्जुन के पास ये कौशल था कि वो एक हाथ से ही बाण चला, एक हाथ से रथ चला रहे और एक हाथ से बाण भी चलाते जा रहे हैं। सुभद्रा ने जब देखा ऐसा तो अर्जुन से कहा, देखिए महाराज एक काम करिए। क्या कहा? देखो अर्जुन मुझे घोड़े बहुत अच्छे दौड़ाने आते, आप कहो तो मैं घोड़े दौड़ाती हूँ और आप मारो। तब क्या था, अर्जुन ने कहा ठीक है। अब सुभद्रा घोड़े दौड़ाने लगी और अर्जुन एक एक करके बाण लगाने लगे।
अब कृष्ण बलराम का जब रचला, अरे भागने ना पाए वो पाखंडी बाबा, पकड़ लो, बंदी बना लो। तब तक अर्जुन देखे तो कांपने लगे, भगवान ने पीछे से सारे क्या, सब कार्यक्रम ठीक चल रहा है, चलने दो चलने दो। और इधर सज्जनों, इसको मार दो मार दो। तो जैसे ही देखा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन बलराम जी से कहा, बलराम भैया ये हमने तो सुना था कि बाबा जी जो है वो बहन का हरण कर ले गए, पर हम तो ये देख रहे हैं कि बहन बाबा जी का हरण करके ले जा रही है। रथ कौन चला रहा है? सुभद्रा चला रही है। अगर बाबा जी बहन का हरण किए होते तो बाबा जी रथ चलाते, पर यहाँ तो बहन रथ चला रही है और बाबा जी धनुष बाण चला रहे हैं। अब बलराम जी सोचने लगे, ये बहन को क्या हो गया, बहन क्यों बाबा जी का हरण करके ले जा रही है? फिर भी बाबा बचने नहीं पाएगा। तो कृष्ण ने धीरे से कहा कि भैया मुझे बड़े ध्यान से, मैं इन बाबा जी का चेहरा देख रहा हूँ, इन बाबा जी का चेहरा बिल्कुल अर्जुन की तरह मिल रहा है। जैसे ही कहा तो सज्जनों, बलराम जी ने भी ध्यान से देखा, कहा ये अर्जुन की तरह नहीं, ये अर्जुन ही है, और ये अर्जुन है तो मतलब सब किया धराया तेरा है, क्योंकि अर्जुन तो तेरा क्रीड़ा मृग है, जैसा जैसा तू कहता है वैसा वैसा अर्जुन करता है, तो जैसा तूने कहा होगा वो तो वैसे ही करेगा। अब तो सज्जनों बलराम जी आए और आ करके हलमुसल रख दिया और अर्जुन से बोले, महाराज जी नमो नारायण आय। अर्जुन ने कहा कि अरे वो मैं कुछ नहीं, वो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बलराम ने कहा वो तो तेरे कहने से पहले मैं समझ गया था कि यदि तू अर्जुन है तो सब किया धराया कृष्ण का है, तो इस तरह तुम्हारे दादा का और कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह हुआ था परीक्षित। बड़ी प्यारी कथा सुनाई। अब सज्जनों एक और प्रश्न बड़ा सुंदर किया है परीक्षित ने, महाराज एक बात बताओ, जब सारे सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो ये जो वेद, पता है ये जो शब्द होते हैं ना वो ब्रह्म होते हैं, वेद का कभी प्रलय नहीं होता है, ये शब्द जो है ना वो जाकर के ब्रह्म के कान में स्तुति करती हैं, वेद स्तुति जिसको कहा गया है, तो ये क्या कहती हैं? जय 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 जाम अजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अग जगदोक साम अखिल सत्वक बोधक ते क्वचिद जयात्मनाम चचरतो अनुरे निगमः। इस ये नरकुटक छंद में गाया गया है जिसको वेद स्तुति कहते हैं। वेद क्या स्तुति करते, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले राजा महाराजा जब शयन करते थे ना तो जो उनके बंदीजन होते थे ना वो विरुदावलिया गाते थे, वो डायरेक्ट राजा को जगा नहीं देते थे, वो पहले राजा की शौर्य की प्रशंसा करते थे, फलाना महाराज ने इतने कुआं बनवाए, इतने बावड़िया बनवाए, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने इसे जीता, इन्होंने इसे जीता। तो जब महाराज के शौर्य का बल का बखान करते थे ना तो राजा धीरे 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 अपने नेत्रों को खोलते थे। तो वेद स्तुति, वेद भगवान की क्या स्तुति?